हाय एवरीवन, आज हम स्वार्मिंग या मधुमक्खियों का जो प्रवास है उस पर एक जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। बसंत या ग्रीष्म ऋतु में जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तथा खाद्य पदार्थ काफी मात्रा में मिलते हैं तो मधुमक्खियां तीव्र गति से जनन क्रिया करके संख्या बढ़ाती हैं, फलस्वरूप छत्ते में स्थान की कमी हो जाती है। ऐसी दशा में रानी माता अपने पुराने सदस्यों के साथ छत्ता छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। यह स्थान श्रमिकों द्वारा पहले से ही ढूंढ कर रखा जाता है। यहाँ पर श्रमिक नया छत्ता बनाकर तैयार करते हैं तथा रानी माता अंडे देना प्रारंभ करती है। पुराना छत्ता छोड़ने के पहले रानी माता बहुत संख्या में अंडे देती है, जिससे श्रमिकों के साथ कुछ नर तथा रानी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। जिस समय यह कोशा अवस्था में पहुंचती है, रानी माता यह छत्ता छोड़ देती है। जो रानी पुत्री सबसे पहले निकलती है वह अन्य सभी को मारकर छत्ते की स्वामिनी बन जाती है तथा बाद में अपनी संतति बढ़ाती है। प्रवास के जो कारण हैं और मुख्यतया इनके जो लक्षण हैं, तो जिसमें पहला है तीव्र गति से जनन करना, दूसरा प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थों का मिलना, तीसरा नर मौना के कोषों की संख्या बढ़ना, श्रमिक अधिक संख्या में उत्पन्न होना, पांचवा रानी मक्खी का अंडा देना बंद कर देना, छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या अधिक हो जाना तथा सातवां रानी का क्वीन सबस्टेंस न बनाना। प्रवास नियंत्रण हेतु हमें किए जाने वाले जो उपाय हैं उनमें मौनाओं को वंश वृद्धि तथा प्रजनन के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध रहे, इसके लिए नए फ्रेम समय पर रखे जाएं। दूसरा जो इसमें है, नर कोष बनने पर प्यूपा बनने से पूर्व नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा रानी कोष बनने लगे तो भी नष्ट कर देना चाहिए। चौथा प्यूपा अवस्था वाले छत्ते में जो फ्रेम को दूसरे कमजोर मौन वंश में लगाएं तथा उसके स्थान पर एक नया खाली मोम छत्ताधार लगा हुआ फ्रेम लगा दें। पांचवा रानी का पंख जो है काट देना चाहिए और छठा मौन गृह को धूप से बचाएं तथा उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां उनको हवा तथा पानी आदि मिलता रहे। जो इस तरह से जो स्वार्मिंग या मधुमक्खियों का प्रवास होने के लिए मुख्यतः जो इनको जो प्रबंधन करना चाहिए वो ये रहे। हमें उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, एक ये पेड़ पर मधुमक्खियों का प्रवास हो गया है। प्रवास के बाद इसका जो जो ट्रीटमेंट खास करके इस जो बॉक्स में अभी इनको गिराया जाएगा और गिराने के साथ जो है ना इसमें क्वीन होगी, क्वीन के साथ वर्कर्स भी काफ़ी संख्या में नीचे आ जाएंगे। हाँ जी, तो चलिए आपका वैसे बन रहा है, चलिए आने दीजिए। एक फ्रेम इन्होंने एक बड़ी से जो बांस में एक फ्रेम इन्होंने बांध रखा है, ऊपर आप देख रहे हैं। और इस पेड़ की टहनी में अभी मधुमक्खियाँ काफ़ी संख्या में आ गई हैं और ये हाँ जी सही बनाते पाथर गए तो पाथर तो दब तो लगे थोड़ी दूर डब।
заниться и прямо. Пока вы не идти. Дух бейт эти. Вы не малай здесь мало. И типа побил хана. Боло. मेन बीकीपर को भी उठाना है। मेन बीकीपर तो आ ही रहा हो तो शकल से नहीं, डंक लगने की संभावना तो नहीं बनेगी इसमें। नहीं, ये नहीं डंक मारते, छोटे बच्चे हैं। ये आप की जो मक्खियां आ गई इस डब्बे में, बॉक्स में आ गई, और इस तरह से ये बहुत बहुत धन्यवाद। काफी संख्या में 40,000 की लगभग संख्या है मक्खियों की, और ये आप देख रहे हैं जो स्वार्मिंग है, पूरी प्रक्रिया स्वार्मिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, स्टे कनेक्टेड।